हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ साली सक्सेना। हम रवा के लड्डू बनाने जा रहे हैं। दो कटोरी चीनी लेना है, एक गिलास पानी लेना है और हमें एक तार का सीरा बनाना है। उसमें से तार निकलने लगे, एक तार, तब तक इसे पकाना है। एक कटोरी रवा लेना है, पैन में 2 टीस्पून घी डालना है, शुद्ध घी। अब इसमें रवा डालना है। अब इसे गोल्डन ब्राउन भूनना है। अब सीरा हमें देखते रहना है, एक तार निकलने लगे तो उसे बंद कर देना है। देखिए, रवा हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। लो कर देना है गैस को। हमें 2 इलायची को कूट लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें चेक करते रहना है। देखिए, तार निकल लगा है इसमें से। देखिए, हमारा सीरा है। अब इसमें हमें रवा डाल देना है सारी। रवा डाल के कम से कम 1 घंटे के लिए इसे फैन की हवा या पंखा की हवा में इसे रख देना है, छोड़ देना है। ये अपने आप ही टाइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, टाइट होने लगा है। साथ में मटरी भी बना रही थी तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए मटरी। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा लड्डू लाए जा रहे हैं। दो कटोरी चीनी लेना है। हाथ से देखो आप लड्डू बनने लगे तो हमारा परफेक्ट बैटर हो गया है। एक तार का सीरा बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, तार निकलने लगे, एक तार, क्या दानेदार लड्डू इसे पकाना है। एक कटोरी रवा रेसिपी है, इसे कोई भी बना सकता है आप घर पर। इसे बहुत जल्दी पैन में 2 टीस्पून घी डालना है, शुद्ध घी। इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो ऊपर से डेकोरेशन के लिए, काजू, किशमिश वगैरह। अब इसमें रवा डालना है। इसमें आप इसे गोल्डन ब्राउन भूनना है। गरी बुरादा भी डाल सकते हो।